हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल निशांत कंप्यूटर क्लासेस। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। देखो, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है वो बेसिकली किन किन चीज़ों के लिए यूज होता है, कोई भी लेटर टाइप करनी है, कोई भी पैराग्राफ टाइप करना है, तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बहुत ज़रूरी है। मीन्स सबसे ईजी टूल है और सबसे बेस्ट टूल है आज की डेट में, ठीक है। तो अब ये इसकी विंडो है, मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया तो ये ऊपर सबसे ऊपर है इसका टाइटल बार, जहाँ पे डॉक्यूमेंट टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ है। ये इसके आइकन हो गए, मिनिमाइज का आइकन, मैक्सिमाइज का आइकन, इसके बाद क्लोज का आइकन, ठीक है। ये इसका मेन्यू बार है, इंसर्ट, पेज लेआउट। मैं अपनी सारी वीडियोज में एक एक करके ये सारे मेन्यूज को एक्सप्लेन करूंगा। ये इसका प्रॉपर्टी बार है, जिस भी मेन्यू के ऊपर आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली उसी की ही प्रॉपर्टी शो करेगा। उसके बाद है ये इसके प्रॉपर्टी, ये इसके सारे टूल्स हैं जो आप यूज कर सकते हो। ये इसके रूलर्स हैं, ये लेफ्ट रूलर है, ये आपका टॉप रूलर है, या इसका स्क्रोल बार है जो जिससे हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये इसका प्रिंटेबल एरिया है, देखो ये प्रिंटेबल एरिया जहाँ पे ये आपकी एरो लगी हुई है और ये वाली, तो मीन्स अगर आपने कुछ भी टाइप करना है तो आप इसमें टाइप कर सकते हो, ठीक है। ये बेसिकली इसका एरिया है, प्रिंटेबल एरिया। उसके बाद है, अगर सपोज आपने कुछ डॉक्यूमेंट टाइप करना है, ये इसका स्टेटस बार है जहाँ पे लिखा हुआ है पेज 1 of 1 वर्ड्स 17। तो ये कुछ इसकी इंट्रोडक्शन है, यहाँ से आप जूम कर सकते हो, जूम आउट कर सकते हो, ठीक है। ये कुछ इसकी इंफॉर्मेशन है। अब सपोज हम इसके बात करते हैं इंडेंटेशंस के बारे में। अब देखो, ये एक रूलर है, टॉप रूलर। टॉप रूलर में ये पैराग्राफ इंडेंट्स होते हैं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने इसको देखो, अब इसके तीन पार्ट्स हैं, ये है इसका टॉप वाला एलिमेंट, ये है इसका सेकंड पार्ट, ये इसका थर्ड पार्ट है, तो जो स्क्वायर वाला पार्ट है। अगर मैं थर्ड पार्ट से इसको पिक करूंगा तो ये सारा का सारा मूव होगा, ठीक है। अब ये सारा मूव हो रहा है, मीन्स इस स्क्वायर से इसको पिक करके इधर उधर लेफ्ट राइट करूंगा तो ये सारा मूव होगा। अब मैंने इसको 4 पे रख दिया, ये मेरा राइट इंडेंट है, इसको मैंने रख दिया 8 के ऊपर, तो मीन्स अब मैं यहाँ से टाइप करना शुरू करता हूँ तो ये मेरा एक डिफाइन हो गया एरिया, कितने एरिया में मैंने अपने डॉक्यूमेंट को, अपने पैराग्राफ को टाइप करना, ठीक है। अब जैसे मैंने एंटर किया, नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू हो गया, तो मींस जस्ट उतने एरिया में ही रहेगा जितने एरिया में मैंने अपने लेफ्ट और राइट इंडेंट को डिफाइन किया हुआ, राइट। तो ये एक लेफ्ट और राइट इंडेंट का पार्ट है। अब उसके बाद क्या है, सपोज मैं इसको 8 पे रहने देता हूं, मैं यहां पे इसको इस स्क्वायर रेक्टेंगल से उठाने की बजाय मैं इसके सबसे ऊपर वाले एलिमेंट को उठाता हूँ, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट लाइन इंडेंट। तो इसको मैंने रख दिया 2 पे। अब सपोज अगर मैं ये नीचे से इसको स्क्वायर से उठाऊंगा तो वो दोनों मूव होंगे। देखो, फर्स्ट लाइन इंडेंट भी मूव हो रहा है, ये वाला इंडेंट भी मूव होगा और आपका ये वाला इंडेंट भी मूव होगा, ठीक है। बट अगर मुझे सिर्फ इसी को मूव करना है लेफ्ट और राइट में, तो मैं इसको स्क्वायर से उठाने की बजाय मैं इसको यहां से इसके ट्राइंगल से उठाऊंगा। देखो, ट्राइंगल से जब मैं इसको लेफ्ट राइट करूंगा तो ये मूव होगा, फिर वो फर्स्ट लाइन इंडेंट को नहीं डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। तो जैसे मैंने 4 के ऊपर रख दिया इसको यहाँ पे, तो वहां पे आ गया। अब इसका बेनिफिट क्या है, देखो ये है मेरा फर्स्ट लाइन इंडेंट, सपोज हम इसको रख देते हैं 4 पे, इसको रख देते हैं हम 2 पे, ठीक है। तो ये बेसिकली ये फर्स्ट लाइन इंडेंट, फर्स्ट लाइन इंडेंट का मतलब होता है कि जहां से आपका पैराग्राफ शुरू हो रहा है, ठीक है। तो ये मेरा पैराग्राफ शुरू हो रहा है यहां से, देखो। अब मैं सेम पैराग्राफ है तो मैं एंटर नहीं करूंगा, बिकॉज वो मेरा सेम पैराग्राफ है। देखो, जो फर्स्ट लाइन इंडेंट है, फर्स्ट लाइन इंडेंट हो गया जहां से आपका पैराग्राफ शुरू हुआ, ये था आपका सेकेंड लाइन इंडेंट। तो ये जो सेकेंड लाइन इंडेंट है, अगर मैं एंटर किए बगैर अपनी डॉक्यूमेंट को टाइपिंग मोड में रखूंगा, अगर मैं टाइप करता जाऊंगा तो मेरा जो पैराग्राफ है वो सेकेंड लाइन उसकी कहां से स्टार्ट होगी, जहां पे मेरा ये सेकेंड इंडेंट प्लेस होगा। अब देखो, मैंने फिर से लिखा, अब जब तक मैं एंटर नहीं प्रेस करता तब तक वो ऑटोमेटिकली सेकेंड लाइन में जाता रहेगा, ठीक है। अब जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा, जैसे सपोज अब मेरा सेम पैराग्राफ है, पर अब मुझे क्या करना है, अब मुझे नेक्स्ट लाइन में जाना है, नेक्स्ट पैराग्राफ में जाना है। तो जैसे ही मैं एंटर करूंगा वो वापस किसके ऊपर आ जाएगा, फर्स्ट लाइन के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो राइट इंडेंट में कोई चेंज नहीं आया, राइट इंडेंट वैसा का वैसा रहेगा। अब देखो, फिर से मैंने टाइपिंग शुरू की, जब तक मैं एंटर नहीं करूंगा इट मींस मेरा वही वाला पैराग्राफ एक्टिव है। तो जैसे ही मैं एंटर करूंगा
जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली कहां पे शिफ्ट हो जाएगा, मेरे फर्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाएगा। देखो अब वापस फर्स्ट लाइन में आ गया, इट मींस ये मेरा फर्स्ट लाइन इंडेंट है। कोई भी पैराग्राफ स्टार्ट करना आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। ये मेरा सेकंड लाइन इंडेंट है, मींस विदाउट एंटर किए अगर आप अपने पैराग्राफ को कंटिन्यू करते हो तो सेकंड लाइन आपकी यहाँ से शुरू होगी, और जैसे ही आपने एंटर किया तो वापस वो कहाँ पे आ जाएगा, फर्स्ट लाइन इंडेंट पे आ जाएगा, राइट। तो ये बेसिकली इसके कुछ फीचर्स हैं लेफ्ट राइट और इंडेंटेशन के, लेफ्ट राइट और सेकेंड लाइन इंडेंट, ठीक है। तो होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो आगे भी मैं अपनी वीडियोस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में डिटेल में बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, इसके मैंने उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए, ताकि जितनी भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूंगा आपकी उसको आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।